मानस ने रीडायल का बटन दबाया होगा। मेरी आवाज सुनने के बाद उसने फोन कट कर दिया। इसका मतलब मानस को शक हो गया होगा। बल्कि मेरे इरादे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे खुद का सहारा बनना है। क्या सोच रहे हो? I'm sorry. क्यों? मुझे यूं बिना लॉक के तुम्हारे कमरे में नहीं घुसना चाहिए था। सॉरी, गलती मेरी थी। मुझे दरवाजा लॉक करना चाहिए था। नो, गलती मेरी थी। गलती तुम्हारी नहीं थी, वो कमरा भी तो तुम्हारा ही है। मेरा कमरा था, अब वो तुम्हारा कमरा है। लेकिन मैंने तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। जैसा था वैसा ही है, तुमने अच्छी तरह से सजा कर रखा है। नहीं, वो मैंने नहीं सजाया था, सिमरन ने सजाया था। डॉक्टर सिमरन ने तुम्हें बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन तुमने डॉक्टर सिमरन में क्या देखा? मीन्स मीनिंग, तुमने डॉक्टर सिमरन में ऐसा क्या देखा जो तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? उसमें ना एक ग्रेस था। फेमिनिटी थी। यू नो, हमारी मुलाकात हमेशा बहुत ही अजीब तरीके से होती थी। मैं अपनी आदत से मजबूर था, कहीं भी कैमरा लेके शुरू हो जाता था। उस दिन हॉस्पिटल में भी अपना कैमरा लेके निकला हुआ था। आई नीडेड सम मॉडल्स एक्चुअली, और सिमरन मेरे सामने आ गई। यू नो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट जैसे सब कुछ फोटोग्राफ की तरह एकदम स्टिल हो गया। बहुत बहुत गुस्सा हो गई थी सिमरन। वो गुस्सा होती रही, मैं क्लिक करता चला गया। बट उस हल्की हरी साड़ी में शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, अनटच्ड। दो बज गए, जाओ जाके सो जाओ। सो जाऊंगी पर कुछ सपने सजा। गुड मॉर्निंग। कोई बुरा सपना देख रही थी? बहुत बुरा। क्या देखा? एक पैलेस है, पैलेस के दरवाजे तक सजा हुआ रास्ता। उस पर चलती हुई मैं दरवाजे तक पहुंचती हूँ और उस दरवाजे को खोलती हूँ। अंदर खूबसूरत चीजों से सजा हुआ दरबार है। थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो एक और दरवाजा खोलती हूँ, फिर एक और दरवाजा। ऐसे न जाने कितने दरवाजे खोलती हूँ और बस आगे निकलती जा रही हूँ, रुकती नहीं हूँ। दरवाजे के बाद दरवाजा, बस। तो इसमें बुरा क्या है? सिर्फ दरवाजे ही हैं डॉक्टर, कोई मंजिल नहीं। आगे तो बढ़ रही थी ना? वो आगे भी क्या बढ़ना जिसमें एक पल का आराम नहीं।
एक पल का चैन नहीं, ये तो भटकना हुआ ना डॉक्टर। भटकने का कोई अंत नहीं होता, ज्यादा मत सोचो। सोच कर भी क्या कर लूंगी। आप अपनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? स्नेहा को लेबर पेन शुरू हो गया। मुझे उसे अटेंड करना चाहिए ना। मैं हूँ ना, मगर मैं उसकी डॉक्टर हूँ। तुम्हारे एब्सेंस में मैं स्नेहा को देख रही हूँ। हाँ मगर मुझ पे विश्वास नहीं? डोंट वरी, तुम्हें अच्छी खबर मिलेगी। चाय। कल तुम क्या कर रहे हो? क्यों? सोनू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है तो जाना पड़ेगा। कल तो मुश्किल है, कल तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं चाहती थी कि हम दोनों चले जाएं। नहीं, वो तो मुश्किल है क्योंकि वो सेमिनार चल रहा है, इसलिए 3-4 मीटिंग्स हैं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। कल तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं। क्या करें, हम नहीं जाएंगे तो सोनू बुरा मानेगा। ठीक है ठीक है, मैं अपनी एक मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ। नहीं, मैं ही कुछ मैनेज करती हूँ। आई डू समथिंग। सोच लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नो, आई विल मैनेज, यू कैरी ऑन। थैंक्स। एवरीथिंग इज ओके, गुड न्यूज फॉर यू, स्नेहा की लड़की हुई है। रियली? आई एम सो रिलैक्स नाउ। स्नेहा कैसी है? एब्सोल्युटली फिट, माँ भी और बच्ची भी। एक्सलेंट। हाय सिमरन आंटी। हाय। हाय आंटी, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपको तो मिस वर्ल्ड होना चाहिए था। वेल, वो टाइम तो चला गया, बट हु आर यू? एक मिनट आंटी, ये आपके लिए। A card. God is bad if a common person is ill. God is merciless if a doctor is ill. Get well soon, love, Amisha. Amisha who? आपकी patient. मगर मैं तो तुम्हें नहीं जानती। असल में नहीं है। एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। आंटी, आपने अपने सारे patients के problems solve किए। मेरी भी एक problem है। मुझे ना एग्जाम के वक्त बहुत नींद आती है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें सब याद होता होगा एंड यू आर वेरी रिलैक्स्ड। वाओ आंटी, आप तो मेरी तरह स्मार्ट है। अब एक और प्रॉब्लम। बस आंटी को ज्यादा परेशान मत करो। आप इन्हें जानती हैं? मेरी बेटी है, कैसे नहीं जानूंगी। अमीशा दलाल। हाय, तुमने मुझे कैसे पहचाना? एक्चुअली आंटी, मम्मी आपके बारे में हमेशा बातें करती रहती है। आंटी, आप मुझे अभी अंकल से मिलवाएंगी ना? ऑफ कोर्स, लेकिन क्यों? एक्चुअली आंटी, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, सो आई थॉट ही कुड हेल्प मी आउट, यू नो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इनफैक्ट अभी को तुम्हारी जैसे ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़कियों की हमेशा ही तलाश होती है। अमीशा, यही कहने आई थी? नहीं, एक्चुअली मामा, मैं आपसे 500 रुपये लेने आई थी। किस लिए? जरूरत है मामा, आप सवाल बहुत पूछती हो, हमेशा ये क्यों चाहिए वो क्यों चाहिए। एक्चुअली मामा, 1000 रुपये ही दे दीजिए ना, एंड प्लीज नो क्वेश्चंस नाउ। ओके ओके आंटी, बाय। ओके बाय मामा। बाय। बहुत क्यूट है, यू वेरी लकी। हाँ, लकी तो हूँ, पर मैं ही जानती हूँ इसके अकेले बचपन की कमियाँ मैंने कैसे पूरी की। छोटे से ही बहुत जिद्दी थी, ऐसी ऐसी हरकतें करती कि परेशान कर डालती थी। एक दिन तो स्लिप पे लिख दिया, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कितनी परेशान हुई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, और देखा तो बेड पे सो रही है। उसे डांटा तो कहने लगी, अभी थोड़ी ना जा रही हूँ, शादी के बाद तो जाऊँगी ना, एडवांस में इन्फॉर्म कर रही हूँ। बच्चों की बातें बेस्ट टॉनिक होती हैं सिमरन। देखना कुछ दिनों बाद तुम भी ये सिचुएशन एंजॉय करोगी। हेलो। हेलो मामा, किरण कहाँ पे? मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ। जा चुकी है, पहुंचती होगी, देख ले वही होगी। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या करती हो किरण, तुम्हें भी ना आने का कुछ टाइम है, इस तरीके से कैसे?
गए क्या? दिल कर रहा है तुमसे पूछने का कि तुम हो कौन? मेरा नाम किरण है, तुम्हारी असिस्टेंट, तुम्हारी एसोसिएट, वही कल रात वाली पहचाना? थोड़ा थोड़ा। कैसी लगती हूँ मैं? मेहनत करनी पड़ी। साड़ी पहना तो मुझे आता नहीं था, तुम्हारी मम्मी से सीखा। एक ही कदम पर लग रहा था कि अब गिरी तो तब गिरी, लेकिन आदत डाल लूंगी। क्यों? जरूरत क्या आदत डालने की? क्यों नहीं है, क्या हमेशा नारियों की तरह साड़ी पहनूंगी? साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? क्योंकि साड़ी मुझे अच्छी लगती है, साड़ी में मैं परफेक्ट लेडी लगती हूँ ना। कुछ बोलो ना अभी, कैसी लगती हूँ मैं? तुम जैसी नहीं लग रही, कोई और बनने की कोशिश करने लगी हो तुम। कौन? सिमरन, किरण, तुम कोई और बनने के चक्कर में अपनी पहचान भी खो दोगी और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर अभी मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करूंगा जैसी तुम हो। किरण, एक में दूसरा मिक्स मत करो। तुम्हें ने कहा था ना कि कभी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सो डोंट इमिटेट। जाओ बदलो साड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुमको ऑफिशियली डिस्चार्ज कर दिया गया है और डिस्चार्ज कार्ड बाहर रिसेप्शन में पड़ा है। अब क्या करना होगा? हॉस्पिटल का रूल तो यही है कि पहले बिल चुकता करो। चलो, मैं अभी को फोन कर देती हूँ, उन्हें कह देती हूँ कि आके मुझे पिकअप कर ले। ओह नो, व्हाट हैपेंड? अभी को फोन करके सारा एक्साइटमेंट खत्म कर दोगी तुम। क्या मतलब? अचानक पहुंचोगी तो देखते ही रह जाएगा, प्लेजेंट सरप्राइज, यू नो। गुस्सा हो जाएंगे वो अगर उन्हें पता चला कि ऐसी हालत में अकेली चली गई हूँ मैं। छोटा मोटा कोर्ट मार्शल हो जाएगा मेरा। अकेली क्यों जाओगी? मैं छोड़ूंगी। आप? हाँ, पहले 10 मिनट के लिए घर जाऊंगी, फिर कपड़े चेंज करके तुम्हें छोड़ती हुई एक पेशेंट को देखने चली जाऊंगी। नहीं, आपको परेशानी होगी। अब तुम परेशानी खड़ी कर रही हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर आओ। ओके। अब ठीक है? आप लग रही हो तुम किरण जैसी। जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करना है मुझे। अभी डॉक्टर सिमरन हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होंगे? आज लेने जाना है मुझे। फिर तुम अपने घर रहने लगोगे डॉक्टर सिमरन के साथ? मैं जरा कम ही आया करूंगा वहां पर। वही तो कह रही हूं मैं। किरण, मैं समझता हूं तुम मुझे मिस करोगी। तुम नहीं करोगे क्या? तुम्हें याद है ना वो अवार्ड फंक्शन में जाने की तैयारी करनी है? ऑफ कोर्स याद है। अभी मैं चाहती हूं कि क्या? छोड़ो ना, चाहने से क्या होता है? कम से कम बताओ तो चाहती क्या हो? अभी मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखूं, तुम्हारे साथ वहां मौजूद रहूं। मगर मेरी किस्मत में कहा इसमें किस्मत कहां से बीच में आ गई? डॉक्टर सिमरन तो बीच में आ ही जाएगी ना। अब मेरा मतलब डॉक्टर सिमरन तुम्हारे साथ जाएगी।
भाई, इन दिनों मैं एक बात सोचा करती हूँ। क्या? सही मौके पर सही चीज क्यों नहीं मिलती? जैसे? जैसे अब मैं क्या कहूँ? जब कुछ सोचा है तो बात को दिल में मत रखो, कह दो। डरती हूँ कहीं तुम ये ना समझ लो कि मैं ज्यादा लिबर्टी लेती हूँ। लिबर्टी दी तो मैं, बोलो। जब तुम अकेले थे तुम क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम लोगों को अभी मिलना था। इसमें लिबर्टी वाली बात कहां से आ गई? अब हमारा मिलना जुलना बढ़ता गया तो क्या होगा? कुछ बातों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अभी है। अच्छा आंटी, मम्मी कहाँ है? मम्मी चेंज कर रही है ना। ओके आंटी, आपने अभी अंकल से मेरे बारे में बात की? नहीं अभी तक नहीं, आज ही तो डिस्चार्ज हुई मैं। ओ हाँ, बाय द वे आंटी, व्हाट डू यू थिंक, मैं मॉडल बन सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, तुम तो एक्ट्रेस भी बन सकती हो। वही तो इरादा है आंटी। अमीषा बेटा खाना लगा दिया है। आंटी आप भी चलिए ना खाना खाने। नहीं थैंक्स, यू कैरी ऑन। ओके आंटी, बाय। माय गॉड, फिर से वही खाना, वही बॉइल्ड वेजिटेबल्स, वही उबली हुई दाल, बोर हो गई मैं सब खा खा के। लेकिन बेटा यही खाना अच्छा होता है। तुम्हें खाना है या मुझे खाना है? कितनी बार मना कर चुकी हूँ, ये सब मत बनाओ। बेटा हरी सब्जियां खाने से खून बनता है। इसमें भी आर्गुमेंट? कुछ और बनाना आता नहीं है क्या? अच्छा बाबा कल से बनाऊंगी, लेकिन आज तो खा लो। शर्म, तुम मेरी टीचर हो, मेरी माँ हो, नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह बात करो। मैं तो क्या करती हूँ? अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो नौकरी छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? अमीषा बिहेव योरसेल्फ। मामा आप मुझे डांट रही हो और इसे कुछ नहीं कह रही? ऐसा बीमार हो जैसा खाना बनाकर रख दिया है टेबल पर। ये हेल्थ फूड है। हेल्थ फूड है तो इसे ही खिलाओ, हेल्थ अच्छी रहेगी। सुलोचना रो मत। क्यों? अब इस घर में रोने पर भी बनाई है? नहीं, तुम्हें हर बात कहा कि, लेकिन झूठी तसल्ली मत दीजिए। सुना नहीं आपने कि मैं नौकरानी हूँ, नौकरानी इस घर की, और आपने मुझे सर पर बिठाया है। वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। गुस्सा मुझे भी आता है मैडम, लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हूँ। मैंने उसे डांटा ना तुम्हारे सामने? सामने डांटना और पीछे पुचकारना, इसका क्या मतलब होता है मैडम? दिन पर दिन वो बदतमीज होती जा रही है। मैं उसे समझाऊंगी। क्या समझाएंगे आप उसे? क्या समझाएंगे उसे कि मेरी इज्जत करे? इतने साल तो आप समझा नहीं सकी, और जब उसकी अब आदत पक चुकी है वो सुनेगी आपकी बात? धीरे बोल। आपको अमीषा की परवाह नहीं है, नहीं है आपको अमीषा की परवाह। आप मां नहीं बन सकी। एक बात बताइए, अगर अमीषा आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी ऐसी आंखें मूंद के बैठी रहती? इस सारी लापरवाही का मतलब समझती हूं मैं। वो आपकी अपनी बेटी नहीं है ना, इसीलिए। सुलोचना
तुम्हें समझ में नहीं आता? बाहर कोई बैठा है, प्लीज धीरे बोलो। Thank you.